दोस्तों, सतयुग जैसा जीवन व्यतीत करना आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन वेद की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक युग में वो सारी सुविधाएं प्रकृति हमें देती है जिसका सही इस्तेमाल करने से इंसान किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन फर्क बस इंसान की सोच पर निर्भर करता है। तो फिर क्या आप जानना चाहोगे कि कल्कि अवतार से पूर्व हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा और कुछ समय के लिए सतयुग जैसा जीवन कैसे प्राप्त होगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में 5 ऐसे थियरीज और खजाने के बारे में बताने वाला हूं जिसके मिलने के बाद पूरी दुनिया का भारत के प्रति देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इन 5 खजानों का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है और इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट को मैं कालज्ञान किताब में पढ़ा हूं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, दिस कॉन्सेप्ट विल ब्लो योर माइंड। दोस्तों, खजाने का सही मीनिंग क्या है? खजाना केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात ही नहीं होते, खजाने और भी कई प्रकार के होते हैं। खजाने का सही मतलब वो है जो बहुत कीमती चीज हो, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार हो, असल में इसे खजाना कहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अभी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने का खदान मिला है, आने वाले समय में इससे भी कई गुना ज्यादा खजाना किसी बंद गुफा में मिलने वाला है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से 10 गुना अधिक होगा। और हो सकता है कि ये खजाना पद्मनाथ स्वामी मंदिर का एक बंद दरवाजे में हो। इस खजाने के मिलने के बाद से हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा और आर्थिक रूप से सभी देशों से आगे होगा। इसके बाद दूसरे खजाने का शुरुआत होगा, जिसे ग्रंथ और किताब कहा गया है। एक समय ऐसा था जब हमारे देश को ज्ञान का भंडार कहा जाता था और हमारे देश में ज्ञानी गुरुओं की कमी नहीं थी, जो अपने अनुभव और ज्ञान को आगे की पीढ़ियों के लिए ग्रंथों में लिखा करते थे। लेकिन अलेक्जेंडर हमारे देश पर आक्रमण करके उन सभी ग्रंथों और किताबों को अपने देश लेकर चला गया। इन ग्रंथों और किताबों के बदौलत अपने देश को सबसे महान बनाना चाहता था। लेकिन कुछ ही समय बाद क्लियोपात्रा लाइब्रेरी को जूलियस सीजर नामक व्यक्ति ने जला दिया। दोस्तों, एक बार सोच कर देखो, हमारे देश में मौजूद सोने जैसे कीमती चीजों को छोड़ अलेक्जेंडर ने इन ग्रंथों को ही क्यों ले गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन ग्रंथों में हर एक प्रकार की खोज और आधुनिक तकनीक के बारे में बताया गया था। अभी का जो हमारा साइंस इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का खोज कर रहा है, इस रहस्य का जवाब भी उन ग्रंथों में मिल सकता था। भले ही हमारे पास वो दिव्य ग्रंथ मौजूद ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे देश के वैज्ञानिक नए आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में देश को नए मुकाम तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश नए कीर्तिमान रचेगा। इसके बाद शुरुआत होगा तीसरे खजाने का, जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार होगा। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने से पहले एक कलश भी निकला था, जिसे सर्व रोग निवारणी कहा गया था, जो किसी भी प्रकार के रोगी को ठीक कर देने वाला औषधि था। और आज के समय का आयुर्वेद भी एक प्रकार का सर्व रोग निवारणी ही कहा जाता है, जो आने वाले समय में कैंसर, डायबिटीज, एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से संभव होगा। इसके बाद शुरुआत होगा चौथे खजाने का, जिसे मंत्र, तंत्र और यंत्र कहा गया है। हम सब इतने आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जो इस तंत्र, मंत्र, यंत्र के बारे में सोचना ही बेकार लगता है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में इसके प्रति गहरा विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। लेकिन कुछ लोगों की गलत मानसा के कारण इस ज्ञान को अंधविश्वास का नाम देना पड़ा है। भारत जैसे देश में भी इसको मानने वाले लोगों की एक अलग ही दुनिया बसी है। हिमालय में मौजूद ऋषि मुनि और नागा साधु इस अलौकिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। मैं ढोंगी बाबाओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जिनके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं, और कई सारे लोग इस मंत्र, तंत्र और यंत्र को एक ही समझ बैठे हैं। लेकिन इन तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मंत्र एक फॉर्मूले के जैसा होता है, जिसके उपचार से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी को तंत्र नाम दिया गया है, और फिर इसी एनर्जी को एक जगह पर स्टोर करने का काम यंत्र का होता है। ये मंत्र, तंत्र और यंत्र का ज्ञान भी आने वाले समय में मोक्ष प्राप्त करने का एक जरिया बनेगा। इसके बाद शुरू होगा पांचवा खजाना। हमारे पास आज तक सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सभी को मिलाकर 119 प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन आने वाले समय में और भी कई प्रकार के नए एलिमेंट्स दूसरे ग्रहों पर से लाया जाएगा, जिसके बाद न्यू इन्वेंशन स्टार्ट होगा और नए प्रकार के एनर्जी सोर्सेस का भी शुरुआत होगा। और इसी खोज के बाद से एक देश से दूसरे देश के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, और उस समय मानव जाति अपने अंतिम चरण में होगा और सृष्टि का विनाश करने के लिए हर एक देश तैयार रहेगा। और तब शिव जी का त्रिशूल, परशुराम का अस्त्र, अर्जुन का गांडीव धनुष जैसे विध्वंसक अस्त्रों का पुनः निर्माण होगा, और इन सभी अस्त्रों के बीच नंदकम नामक अस्त्र भी खड़ा होगा, और इसी अस्त्र को धारण करने के लिए स्वयं नारायण को इस मृत्युलोक पर अवतार लेकर आना होगा, और इसी अवतार के बाद इस कलयुग के साथ सभी मानव जाति का भी अंत होगा, और यही अवतार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कहलाएगा, जिसके बाद नए युग का प्रारंभ होगा।
दोस्तों जब मैं ये पढ़ रहा था तब मैं काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग फील कर रहा था और इसीलिए मेरे इस अनुभव को आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ। बाय।